Bye, lovelies. And today we have with us Shefali Zariwala and Parag. और वो हमारे साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं वैलेंटाइंस डे. स्वागत है आपका वॉलेंट फाइव में. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. सो आज हम बहुत सारे इंसाइट्स जानने वाले हैं आपके बारे में कि इतने सालों से जो आप एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं कैसे है, क्या है उसका राज, कितने अच्छे से आप जानते हैं एक दूसरे को. सो आई होप यू वैसे रहे. आई एम एक्साइटेड. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चनरी जिसमें आप सेपरेटली अपना आंसर्स लिखेंगे और हमें बताएंगे कि आप एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं. ओके ओके सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज यू गाइस हैव टू राइट सेपरेटली एंड नो चीटिंग. ओके ओके माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू गाइस फर्स्ट मीट, योर फर्स्ट मीटिंग. In the car. This was lovely. Okay, so next what we have is, which is the most romantic thing of your partner and what it is? So the one quality that I really like about Parag is he's an absolute thorough gentleman. मतलब आज 10 साल से हम साथ में हैं मगर गाड़ी का दरवाजा आज भी यही खोलते हैं. सो ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन. ही इज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी. ही इज वेरी पेशेंट. ही हैज अ वेरी काइंड एंड अ बिग हार्ट. ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन. वो सबका ध्यान रखते हैं, अपने फैमिली का, मेरा, मेरी फैमिली का. सो दीज आर द क्वालिटीज दैट आई रियली लव अबाउट. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट आई अप्रिशिएट इज हिज वर्क एंड वर्क लाइफ and family life balance. वो बहुत ज़्यादा busy रहते हैं काम को लेके, मगर family के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं and he makes sure that we don't feel neglected and he balances that out really well. Parag, what would you say? मैं तो यार इतनी सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से मैं इनको प्यार करता हूँ. पहले तो ये खुद है, जितना जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा इनका दिल खूबसूरत है. और ये इनका दिल बहुत बड़ा है और ये एक बार दोस्ती करती है ना तो अपनी जान तक दे देती है. तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लॉयल है, कितना प्यार करती है. जिसको एक बार प्यार करती है तो बहुत ज्यादा केयरिंग है. मेरी फैमिली को लेके मेरी फैमिली को बहुत केयर करती है, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखती है, मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है. और मुझे सबसे मुझे लाइफ में जो मोटिवेशन है ना, जो मैं लाइफ का पहले इतना मोटिवेटेड नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उन्होंने जो मुझे मोटिवेट किया लाइफ में, हमेशा मुझे मोटिवेट करती है. और मेरी बिगेस्ट क्रिटिक्स जो है ना वो यही है. मतलब मैं वेट करता हूँ कभी बोले कि नहीं आपने ये अच्छा किया, यू नो. तो शी इज ऑलवेज यू नो आफ्टर मी टू गिव माय बेस्ट इन माय लाइफ. तो कोई भी चीज है, भले वो रिलेशनशिप हो, भले वो वर्क हो, किसी भी चीज में ये है कि मुझे हमेशा मोटिवेट करती है. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसको आपको एक सेंटेंस में बताना है. शिफाली, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो जब आपने उनको देखा पहली बार? I loved his body. I was very impressed by his physique. Parag, what was your first impression or expression? मैं तो ये था कि कोई परी सामने आ गई है क्या यार. वायरल बजने लगे थे, स्टॉर्म फेस्ट चलने लगा था, उनके बाल उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई एक परी. उन्होंने उन्होंने व्हाइट टॉप पहना हुआ था, व्हाइट शॉर्ट पहने हुए थे. मैंने ये कौन होता है यार धरती पे. Parag is also very specific with clothes and everything. He remembers. He always remembers. You would like to know कि आप एक दूसरे को कौन से निकनेम से बुलाते हैं? I call him Papa. I call him Pari. And why is that so? I don't know because Parag जब हम date कर रहे थे, so he's always been very protective about me.
तो किसी दिन ऐसा हो गया था कि मेरे मुंह से निकल गया था कि भाई मेरे लिए ना तो जैसे एक तो मेरे फादर हैं जो मेरे लिए प्रोटेक्टिव हैं और आप फादर पार्ट टू हो गए हो मेरे, मतलब मोर देन अ बॉयफ्रेंड यू आर लाइक माय पापा। सो तब से जो पापा मैंने चिढ़ाना शुरू किया उनको, पर वो निकले बन गया, अब मैं जगत पापा हो गया, हमारे सारे फ्रेंड्स मुझे पापा बुलाते हैं। And why I'm pretty much sure कि आप शिफाली को परी क्यों बुलाते हैं? वो तो मतलब वो शब्द ही अपने आप define कर देता है उस चीज़ को। बिल्कुल। So we would like परी परी परियां जो होती है ना, परियां बहुत खूबसूरत तो होती हैं लेकिन वो हमेशा दुनिया की हेल्प करती हैं, हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहती हैं जब भी किसी को जरूरत होती है, they're always there। तो वैसे ही ये है, ये हमेशा सब लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती है, खूबसूरती के साथ साथ बता रहा हूँ चीज़ में, और कभी भी ये दोस्ती में कभी पीछे नहीं हटती, किसी को इनकी जरूरत है सबसे पहले ये खड़ी होंगी। ओके, हम जानना चाहेंगे कि कौन सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, हु इज मोर अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक मैं ही सबसे ज्यादा गुस्सा करती हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ। गुस्सा आ भी जाता है और फिर ठंडा भी हो जाता है मेरा गुस्सा, समझ लेती हूँ। गुस्सा नहीं आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता, वो मतलब मोर देन गुस्सा मैं बोलूंगा कि हाँ थोड़ी बहुत इरिटेट हो जाती है, दैट्स इट। लेकिन गुस्सा तो मैंने आज तक क्या देखा नहीं है मेरे ऊपर, बाकी बाहर तो बहुत देखा है। बिल्कुल। अच्छा, सर्दियों में रूम का टेम्परेचर किसके हिसाब से होता है? Pretty much obvious. Who cooks better, you or Parag? I think I know this. Parag, in fact, he could not cook before, but lockdown में इनका अंदर का chef जागा और उन्होंने रोज नई नई चीजें बनाई और मुझे खिलाई, and he's become an amazing cook now. Okay, अच्छा, movie का taste जब आप दोनों का same नहीं होता है तो कैसे decide करते हैं आपकी कौन सी movie? मूवी का टेस्ट बिल्कुल सेम नहीं है। मुझे हॉरर पिक्चर देखनी अच्छी लगती है, पर आपको हॉरर पिक्चर से डर लगता है, पर आपको सेंसलेस कॉमेडीज देखनी अच्छी लगती है जो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। तो आई थिंक नहीं, वो हमेशा रिमोट उन्हीं के हाथ में रहता है, जो वो देखना पसंद करती है मैं भी वही देखता हूं। सो इट्स मी, आई डिसाइड व्हाट वी वॉच। ओके, हम सभी जानना चाहेंगे कि आप दोनों में से सबसे ड्रामेटिक कौन है? No, we don't do any kind of drama. We are very mature and sorted people. But नखरे तो मैं करती हूँ, वो तो I think औरतों का जन्म सिद्ध अधिकार है। So कभी आज तक ड्रामा तो नहीं, ड्रामा तो नहीं, ड्रामा कोई नहीं, इस बार मैंने कोई ड्रामे पास नहीं। Alright. ओके, हम जानना चाहेंगे कि जब आउटिंग के लिए कहीं मन बनाना होता है तो जगह डिसाइड करना सबसे मुश्किल होता है, आप में कौन वो अधिकार लेते हैं? She is very good at it actually. I am very good at planning. मतलब पराग can't plan the way I can plan. So whenever हम holidays plan कर रहे हैं और हम dinner के लिए भी बाहर जा रहे हैं, so I will plan. I know what kind of food he likes, so I choose the restaurant. If we are taking a holiday, I will book the tickets and I will book the hotel and पूरे दिन का plan, एक पूरे trip का एकदम time to time schedule बिल्कुल बन के चलते हैं हम यहाँ से। तो आई थिंक आई एम वेरी गुड एट इट, वेरी गुड एट प्लानिंग। ओके, हु इज मोर मोस्ट अनहाइजीनिक आप दोनों में से? यार अनहाइजीनिक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब सिर्फ मेरी कमांड। ही इज नॉट अनहाइजीनिक, ही इज मेसी। हाइजीन का तो बहुत ध्यान रखता हूं मैं, दे आर वेरी हाइजीनिक बट ही इज वेरी मेसी। मतलब उनका कबर्ड आप खोलोगे तो क्लोथ विल फॉल डाउन लाइक दैट। So he is not very particular about, you know, arranging things. But hygienic we both are. That is very important. Okay. पैसे दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन खर्चता है? मैं। मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है और पराग के क्रेडिट कार्ड्स मेरे पास ही रहते हैं, तो मतलब वो कमाते हैं और मैं खर्च करती हूँ। विश पूरी करने की इच्छा की जाए तो आप शिफाली की कौन सी विश पूरी करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, बहुत सारी विश है, इनकी एक सबसे बड़ी विश तो ये होगी कि मैं अपनी कबाड़ को बहुत साफ तरीके से रखूं। हां, मेरी विश है, दिली तमन्ना है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखे, ये हमेशा करती रहती है उसको, और
तैयार ठीक करती रहते हैं, मैं बिगाड़ता रहता हूँ, एक्चुअली मेरी आदत है। उसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनकी एक विषय जो मैं हमेशा पूरी करना चाहूंगा, वर्ल्ड टूर। हम लोग साल में कम से कम 2 हॉलीडे लें जिससे कि हम लोग पूरी दुनिया को देख पाए, ये विश मैं जरूर पूरी करना चाहूंगा। शिफाली, आपको एक विश पूरी करनी हुई पराग की, तो वो कौन सी विश होगी? पर आप चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूं, जो मैं नहीं गाती। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो वो मुझे, वो चाहते हैं कि मैं अपना एक एल्बम कट करूं एज अ सिंगर, सो दैट इज हिज विश। पर आप अदर विश इज टू टेक मी टू अ प्लेस विद स्नो। अच्छा, मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे आई डोंट लाइक स्नो, आई मीन मुझे बीचेस पसंद है, आई लाइक अ वार्म सनी डे। तो पराग की हमेशा विश होती है कि हम माउंटेन्स में जाए, बर्फ में जाए, जो मैं नहीं जाती। तो आई थिंक दैट इज वन विश आई वुड लाइक टू फुलफिल, दिल पे पत्थर रखकर एक बार आपके साथ वी गो टू अ प्लेस विद स्नो। ऑलराइट, वी वुड लाइक टू नो कि जब गुस्सा हो जाते हैं आप दोनों में से कोई भी, तो मनाता कौन है? वैसे हम वी डोंट रियली गेट एंग्री विद ईच अदर, वी आर वेरी, हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और एक्सप्रेस करते रहते हैं, तो एंगर ऐसा डेफिनेटली नहीं होता है। बट अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, जैसे पराग शूट से लेट आ गए हैं, पार्टी में जाना है और लेट हो रहे हैं और ऐसा कुछ हो जाता है, तो पराग डेफिनेटली मेक्स एन एफर्ट टू मनाओ मी। तो पराग डेफिनेटली एफर्ट्स करते हैं। पराग, वी वुड लाइक टू नो 3 क्वालिटीज ऑफ शिफाली जो हर इसीलिए शायद हम लोग इतने अच्छे से रहते हैं, इतना बॉन्ड हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, हम लोग हर चीज शेयर करते हैं, तो ये हर चीज मुझसे शेयर करती है। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ उनके साथ, एंड शी डजंट जज कि कोई गलती भी होगी, भी एसेस हो गया है, तो शी इज द नहीं आप वेरी नॉन जजमेंटल नॉट एट ऑल, एंड देन शी मोटिवेट्स मी, शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। इतना मोटिवेट किया मुझे लाइफ में, पहले इतना मोटिवेटेड नहीं था, बट अभी बहुत मोटिवेटेड हूं, शी ऑलवेज मोटिवेट्स मी लाइफ। उसके बाद ये ट्रस्ट बहुत करती है जो मैं लाइफ में, इतना ट्रस्ट करती है कि मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता, इतना ट्रस्ट करती है मतलब, और वो ट्रस्ट जो फैक्टर होता है ना, वो कभी फिर ब्रेक नहीं कर सकता। जब कोई इंसान इतना ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो कभी ट्रस्ट देखना गलती से भी। तो ये सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ये दिल की बहुत अच्छी हैं, ये बहुत हमेशा मतलब मुझे तो एक अलग लेवल पर, जो मैं आज यहाँ पर हूँ मकाम पर, उसमें सबसे बड़ा हाथ मैं इनका बोलूँगा, उनकी वजह से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। जो मेरे ड्रीम्स इतने बड़े हुए हैं, पहले इतने बड़े ड्रीम्स नहीं थे, जो उन्होंने जिस लेवल पे मुझे मोटिवेट किया है, मतलब आई कांट इवन डिस्क्राइब, दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी। पर एक वाइफ में ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। ओके शिफाली, व्हाट 3 क्वालिटीज यू सी इन पराग एज अ, जो हर एक हस्बैंड में होनी चाहिए? ही इज अ थारो जेंटलमैन। आई थिंक शादी के कुछ टाइम बाद ना, वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है काफी चीजें, बट पराग हैज नेवर टेकन इट फॉर ग्रांटेड। आज भी गाड़ी का दरवाजा वही खोलते हैं। He's a thorough gentleman. He's extremely warm-hearted and he's a very big heart. So, because his kindness is really, really one quality that I love about him. He's very kind. हम अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो, you know, to kindness आदमी की तब दिखती है, उसका character तब पता चलता है जब औकात में जो इनसे कम लोग होते हैं, जो हैसियत में कम होते हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, उस पे यू नो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आप रोड पे बच्चों को देखते हैं तो गाड़ी रोक के उनको चॉकलेट आइसक्रीम खिला देते हैं, अगर कोई किसी को भी किसी चीज की जरूरत है, पराग इज ऑलवेज देयर प्रोवाइडिंग फॉर देम। वो अपने स्टाफ का बहुत ध्यान रखते हैं, एंड आवर स्टाफ ट्रीट्स अस लाइक फैमिली, नॉट आवर स्टाफ। एंड पराग इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी। I think these are the qualities about him that I really love. Okay, guys, मैं चाहूँगी कि आप हमारे सारे दर्शकों को बताएं कि ये जो last एक साल बीता है, सभी के लिए बहुत difficult रहा है, और साथ ही उनके लिए जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, जो relationships में हैं,
सो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उन सभी के लिए कि किस तरह से अपने प्यार को बरकरार रखें, स्टेबल रखें और प्यार करते रहें, क्या कुछ मैसेज है? आई थिंक हम एक ही मैसेज हमेशा प्यार करने वालों को देते हैं कि जो फाउंडेशन होता है एक रिलेशनशिप का वो होता है दोस्ती. तो आपको पहले कोशिश करनी है कि यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर, बिकॉज इफ यू कांट बी अ फ्रेंड यू कांट बी एनीथिंग एल्स. क्योंकि दैट कम्फर्ट एंड दैट हेल्प्स यू टॉक टू ईच अदर अबाउट एवरीथिंग, शेयरिंग एवरी प्रॉब्लम्स, सेलिब्रेटिंग एवरी हैप्पीनेस. So life becomes beautiful when two people are like best friends. And so I think ये हम advice करते हैं couples को जो date कर रहे हैं, जो शादी के बारे में सोच रहे हैं, कि पहले try and be a good friend to your partner and then everything else will be taken care of. मैं और add करना चाहूँगा कि हम लोग जैसे Valentine's Day आ रहा है, हम लोग special करते हैं, कोशिश करते हैं स्पेशल करने की. तो मैं चाहता हूँ कि वैलेंटाइंस डे के बाद फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है. मैं चाहता हूँ कि आप अपने पार्टनर को रोज स्पेशल फील कराओ. अगर वैलेंटाइंस डे पे कराना है एक्स्ट्रा स्पेशल, दैट्स फाइन, दैट्स वन डे यू कैन यू नो आपको इजहार करना अपने प्यार का. मुझे लगता है आपको अपने प्यार का इजहार रोज करना चाहिए. आपके दिल पे जो है एवरीडे शुड बी वैलेंटाइंस डे, और हर दिन अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराओ और कभी ग्रांटेड मत लो. और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको बोलूंगा ट्रस्ट. एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी रिलेशनशिप और कोई भी रिलेशनशिप है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता. तो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो और उन्हें कभी ग्रांटेड मत लो. यस, वी वुड लाइक टू नो कि आपकी क्या कुछ प्लानिंग वैलेंटाइंस डे की. आई थिंक क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक का माहौल जो है, हम बाहर जाना तो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे. प्लान है घर पे बैठना, पर आप मेरे लिए कुछ कुक करेंगे, हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और बेड में स्नगल करके, मौसम भी विंटर का चल रहा है तो स्नगल करके कुछ अच्छी सी फिल्म देखेंगे. सो इट विल बी अ नाइस क्वाइट रोमांटिक वैलेंटाइन डे एक्टिविटी. Thank you so much, guys, for sharing all your views and all your love on Valentine's Day with us. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having us. It was lovely talking to you. मैं चाहूँगी कि मेरे viewers हमें comment section में जरूर बताएं कि क्या कुछ है उनके plans Valentine's Day को लेकर और अपने चाहने वालों के साथ किस तरह आपने celebrate किया है Valentine's Day. Thank you for your time और बने रहिए Bollywood Stylist.